आज हम आपको चार राज्यों के दौरे में ले चलेंगे ये बताने के लिए कि कोरोना से लड़ाई में हम कितना पीछे हैं और कहां गड़बड़ियां हो रही हैं। एक राज्य में भाजपा की सरकार, दूसरे में एनडीए की सरकार, तीसरे में एनडीए को कोसने वाले टीएमसी की सरकार और चौथे में टीआरएस, एक और रीजनल क्षत्रप, उनकी सरकार। सुनिए इन सरकारों का हाल। सबसे पहले ये शहर, इसकी मुख्य सड़क और सड़क के एक तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजिलेंस का बंगला। बंगले के बाहर अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिलती है। शिनाख्त हुई तो वो कोरोना का मरीज निकला और मौत की वजह भी कोरोना। बात रविवार की है और ये शहर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो कुछ बरसों पहले तक इलाहाबाद हुआ करता था। इस प्रयागराज में एसपी के घर के बाहर लावारिस लाश का मिलना और मौत की वजह कोरोना होना सामान्य बात नहीं है। प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल है, बड़ा सरकारी अस्पताल। अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में 55 साल के शिव शंकर सिंह का भी इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान शिव शंकर की घर पर बात हुई। घर वालों के मुताबिक उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ठीक से देखते भी नहीं। शिव शंकर को सांस लेने में दिक्कत थी, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। इसी अस्पताल से एक खबर ऐसी आई जिससे हड़कंप मच गया। खबर आई कि कोविड वार्ड से एक मरीज गायब हो गया। मरीज को कौन ले गया, कहां गया, किसी को नहीं पता। और एक दिन बाद यानी 26 जुलाई की शाम को इस मरीज की लाश मिलती है एसपी विजिलेंस के बंगले के बाहर। मरीज का नाम शिव शंकर सिंह। वही शिव शंकर सिंह जो अस्पताल पर ठीक से इलाज न करने का आरोप लगा रहे थे। वही शिव शंकर जिनके घर में 3 छोटी बेटियां और एक बेटा है और कमाने वाले वो अकेले। परिवार को उम्मीद थी ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन घर पहुंची मौत की खबर। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। प्रयाग के इसी स्वरूप रानी अस्पताल में 3 दिन पहले 29 बरस के कोरोना मरीज ने अपने हाथ की नस काटकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। इसके कुछ दिन पहले एक और कोरोना पीड़ित महिला की मौत की खबर आई और वजह बताई गई बाथरूम में फिसल कर गिर जाना। कोरोना से अस्पताल में मौतें हो रही हैं और इसके साथ साथ एक ही अस्पताल में इतने कोरोना मरीजों की खुदकुशी या भाग जाने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है अस्पताल के प्रशासन पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि वहां अस्पताल इलाज में लापरवाही कर रहे हैं या फिर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। कानपुर में ही पिछले 5 दिन से रोज कोरोना के 200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल 24 घंटे में बीते 24 घंटे में 219 मरीज आए और इस संख्या के बढ़ने के साथ मरीज और उनके परिजनों के अस्पतालों से शिकायतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हमने योगी आदित्यनाथ ने जब अच्छा प्रबंधन किया था तब उनका जिक्र किया था, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कोरोना के मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यूपी की नहीं है, खराब उदाहरण दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। ये नजारा देखिए। अस्पताल में एक बिस्तर की ऊंचाई कितनी होती होगी, 2 फीट, 3 फीट? क्या इतनी ऊंचाई के बेड से कोई मरीज गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है? बहुत कम आशंका है। लेकिन तेलंगाना के करीम नगर में इस अस्पताल से खबर आई कि बेड से गिरकर एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। असल में मौत गिरने से हुई, चोट लगने से हुई नहीं, ऑक्सीजन की कमी से हुई। मरीज ऑक्सीजन पर था, गिरा तो ऑक्सीजन सप्लाई हट गई। खबरों के मुताबिक इस मरीज के गिरने के बाद वार्ड के बाकी मरीजों ने डॉक्टर्स और नर्सेज को सूचना दी, हंगामा किया, लेकिन काफी देर तक मरीज को उठाने कोई नहीं आया। ये वीडियो वार्ड में मौजूद बाकी मरीजों ने बनाया जिसमें ये मरीज जमीन पर पड़ा नजर आ रहा था। काफी देर बाद मरीज को देखा गया, तब तक मौत हो चुकी थी। एक मरीज की मौत जिसकी वजह हम अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मानेंगे। अगर वक्त रहते मरीज को संभाल लिया जाता तो शायद जान बच सकती थी। तेलंगाना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या करीब 55,000 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा रविवार तक 463 था। यहाँ केसीआर की सरकार है, वो अपने आप को गरीबों का हितैषी बताते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों से कह रहे थे कि आप मत जाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। वो अच्छा कदम था, उसकी तारीफ हुई, लेकिन ये कदम क्या दिखाए? क्या केसीआर की अपने राज्य के हेल्थ सिस्टम पर कोई पकड़ नहीं है? क्या तेलंगाना का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है? अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल की स्थिति। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और साउथ कोलकाता में एक व्यक्ति रविवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव के साथ सामने आता है। शाम होते होते उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों और पड़ोसियों ने प्रशासन को सूचना दी ताकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मरीज का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन मौत के 18 घंटे बाद तक
प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। कोरोना मरीज की लाश 18 घंटे से ज़्यादा एक घर में पड़ी रही, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। इसी घर में 6 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव टेस्ट वाला नंबर बढ़ता है, लेकिन अस्पताल भर्ती लेने से मना कर रहे हैं। मौत हो जाए तो कोई घर से उठाने के लिए नहीं आता, और कई मरीज तो जांच भी नहीं करवा पाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो रही है। ये हाल है ममता बनर्जी का, जिनकी काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है और काफ़ी सुर्खियां बटोरती हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर और भाजपा पर हमला करने में। हमला करती रहें, सियासत चलाती रहें, लेकिन राज्य के नागरिकों की चिंता सबसे पहले कर लें। इन्हीं नागरिकों की खातिर तो सब सत्ता में आते हैं ना। आपने पश्चिम बंगाल का हाल देखा, अब बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहां सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है। बिहार के शहरों से लगातार हृदय विदारक वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं, जहां कई मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। कई वीडियोस में मरीजों के परिजन मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और सिर्फ मदद के इंतज़ार में अपनों को खो भी रहे हैं। ये हाल राजधानी पटना का भी है, जहाँ कोरोना मरीजों की भर्ती नहीं हो रही। बिहार में कोरोना टेस्ट बाकी राज्यों से कम हो रहे हैं, इसके बावजूद पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। यानी सीधा सा तात्पर्य है कि बिहार में बड़े स्तर पर कोरोना फैल रहा है और हालात बेकाबू हैं। सोमवार की सुबह तक बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 41,111 हो गई थी। और बिहार में कोरोना की वजह से हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं, ये चिंता सिर्फ हमें और आपको हो ऐसा नहीं है, केंद्र को भी है। केंद्र की 3 सदस्यीय टीम गई बिहार, इसकी अगुवाई की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह जांच की धीमी गति है। जांच कम हुई इसलिए मरीजों की पहचान में देरी हुई और महामारी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। केंद्र की टीम ने 20 और 21 जुलाई को बिहार में पटना और गया के अस्पतालों और कंटेनमेंट जोन का दौरा किया, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। बिहार में अब हालात काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी केंद्र की टीम ने 16 सुझाव दिए थे। इसमें एक सुझाव टेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वे करने को भी कहा गया था, लेकिन जैसी रपटें आ रही हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार सरकार और बिहार प्रशासन अब भी इन मोर्चों पर गंभीर नहीं दिख रहा। बिहार में अब भी रोजाना 20,000 से कम टेस्ट हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, हालात को बेकाबू होता देख पटना में 500 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन अभी ऐलान हुआ है बना नहीं है। बनने में कितना वक्त लगेगा नहीं पता, और सरकारों की एक एक मिनट की देरी जनता को चुका रही है, जनता को ये बात पता है। परिजन तड़प रहे हैं इलाज के अभाव में, और बिहार नहीं संवर रहा है। सुशासन बाबू अपने कामकाज का बहुत हवाला देते हैं, स्वास्थ्य तंत्र को लेकर पिछले 15 साल में क्या हुआ उन्हें बताना चाहिए, अपने राज्य को भी। बिहार मॉडल का दावा किया जाता था, देश को बताएं क्या यही बिहार मॉडल है, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इतनी बड़ी महामारी के लिए, जबकि साफ नजर आ रहा था कि प्रवासी मजदूर, कामगार, शिक्षक और छात्र, यानी हर वर्ग के लोग अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं।